खबर जींद से, जहां पर पूर्व सरपंच के घर मिली पुरानी और नकली करेंसी के मामले में कार्रवाई का दौर जारी है। चार आरोपियों को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इन चारों पर धारा 420 और 489 के तहत केस दर्ज किया गया है। डीएसपी जितेंद्र खटकर ने बताया कि ज़्यादा करेंसी नकली है और कमीशन के आधार पर इस करेंसी को आगे सप्लाई किया जाता था। मुख्य आरोपी सुनील पानीपत का रहने वाला है और वो अभी भी फरार चल रहा है। देखिए, कल हमारे को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना तिलुकपेड़ा के अंतर्गत पड़ने वाले गांव हाड़वा में कुछ लोग पुरानी करेंसी, जो भारतीय पुरानी करेंसी है, उसको प्रिंट करके और उसको एक्सचेंज करने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो तुरंत हमारी टीम ने कार्रवाई करते हुए वहाँ पे रेड की। जैसे 420 IBC 489 BCOD के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज करने के उपरांत जो मौका से हमने वहाँ से जो एक प्रिंटिंग मशीन है, फोटोस्टेट मशीन आप कह सकते हैं, वो शाही कटर जो भी इनके नकली नोटों को प्रिंट करने का सामान था, वहाँ से बरामद मौके से कर लिया।